यूपी के रायबरेली से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली की गड्ढा युक्त सड़कों से गुजरेंगे कांवड़िए। जगह जगह हैं सड़कों पर जानलेवा गड्ढे। जिला प्रशासन ने गड्ढा मुक्त किए जाने का किया दावा, पर सड़कों की नहीं बदल सकी सूरत। कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों पर पैचिंग की कही जा रही है बात, क्या बरसात के मौसम में सड़कों पर हो पाएगी पैचिंग? शिव भक्तों को लेकर भी नहीं जिम्मेदार दिखा जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी विभाग। एडीएम प्रशासन ने कहा कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों के गड्ढों पर करवाई जा रही है पैचिंग। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं इसी गड्ढों के बीच सड़कों से गुजरेंगे कांवड़िए। वहीं आइए जानते हैं एडीएम प्रशासन ने क्या कहा। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियाँ पूरी कर ली है। कांवड़ यात्रा के रूट्स को देखा लिया गया है, जो रूट्स पे गड्ढा वगैरह है कार्रवाई की जा रही है तरीके से क्लियर हो रही है। इसके अलावा बिजली की व्यवस्थाएँ दिखा ली हुई, कोई जरूर तार रूट्स पर ना हो, कोई पोल ना हो इस तरीके के जिससे कोई रिस्क हो सके, तो उसको भी दिखाया जा रहा है बिजली व्यवस्था पर। इसके अलावा हेल्थ पोस्ट भी लगाए जा रहे हैं, जो चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मिल सके। रास्ते में पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। स्थान स्थान पर रोटियाँ भी लगाई जाती हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट भी ट्राई करती हैं उसके लिए भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से भी, ताकि रूट डाइवर्जन अगर हमारे जिले से रूट निकलता है तो उसके संदर्भ में कार्रवाई कर सके। मंदिरों से भी घाटों की साफ सफाई कर ली गई है, प्रकाश की व्यवस्था कर ली गई है। एक तरीके से हमारी तैयारी लगभग पूरी है।